आए थे केदारनाथ के लिए पुणे से, लेकिन अब हम जा रहे हैं लाहौल स्पीति की तरफ, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। Left onto National Highway 205. और व्यास नदी के किनारे सुंदर पानी है। पानी बहुत ठंडा है यहाँ पे, ये मेंढक के बच्चे। आ गए जी यहाँ पे सांझ वैली के ऊपर, एक गांव है। गाड़ी में क्लच जलने पे जो स्मेल आती है वो आने लग गई थी, तो गाड़ी बंद कर दी थी बीच में, वी टुक अ ब्रेक एंड देन। अब यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर जाना है, खूबसूरत से आर्किटेक्चर वाले यहाँ पे पुराने पुराने घर हैं। कैसा लग रहा है? सांस मिल रहा है लेकिन बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। हेलो, क्या नाम है तुम लोगों का? स्माइला। अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है। तो स्कूल कौन कौन जाता है? हाँ, कहाँ पे है स्कूल आप लोगों का? नीचे सैंज पे, इधर ही देवरी में। अच्छा अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते। चलो अभी नहीं पहुँचे? अच्छा, तो क्या विचार है आपका? पहुंच तो गए हैं, अब यहीं रहेंगे। कपू होम स्टे के बाहर एप्पल ऑर्चर्ड में रुके हुए हैं, और ये हैं एप्पल्स, अभी कच्चे लगे हुए हैं। ये जो है छोटा सा जानवर, इसके कारण सेब के बाग में फल लगते हैं, वैरायटी आती है। दिस इज कॉल्ड अ हनी बी। तो जब सेब लगाए जाते हैं, सेब के पेड़, और जब मौसम होता है तो उसके पहले एक पन्नी में या एक बॉटल को कट करके उसमें कुछ मीठा रस छोड़ देते हैं, शुगर सिरप। उसको देख करके मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं, मधुमक्खियाँ भी लाई जाती हैं नीचे से, और वो मधुमक्खियाँ फिर रस को लेके फ्लावर पे चढ़ती हैं और इधर उधर जाती हैं, उससे पॉलिनेशन होता है जिससे सेब होते हैं। अब हम आपको देख, रेड गाला या रॉयल गाला ऐसी कुछ वैरायटी है। तो वो छोटी मधुमक्खी ये जो पैकेट में ये जो शरबत टाइप की चीज़ रखी है, इससे वो अट्रैक्ट होती है। एप्पल बनने के पहले जो फ्लावर रहता है, तो फल उनमें ही आता है जिसमें पॉलिनेशन हो, तो वो उड़ उड़ के फलों का रस और लेती है जिससे कि पॉलिनेशन होता है और एप्पल्स लगते हैं। ये लोगों के घर हैं छोटे छोटे, लकड़ियाँ रखी जाती हैं यहाँ पे ठंड के लिए, बहुत ख़तरनाक ठंड होती है। और ये नीचे आप देख सकते हैं उगरा है, धरती का प्रसाद गांजा। तो लोगों को लगता है कि ये स्पेशलाइज्ड कंडीशन में उगता होगा, नहीं, ये जनरली पहाड़ों में, हिमालय में या सतलज के किनारे, व्यास के किनारे, ये एकदम फ्रीली उगता है गांजा। गांजे का नाम सिर्फ नशे से रिलेटेड लोगों ने सुना होगा, बट ये बहुत ही मिराकुलस प्लांट है। इसका बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है, एंड अभी इनफैक्ट काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज इनको लीगलाइज कर रही हैं फॉर मेडिसिनल यूसेज।
बट उसके पहले से ये भारत में यूज़ किया जाता है एज एन इंटॉक्सिकेंट, उसका बुरा नाम हुआ है, बट उसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं। इसके जो स्टेम के रेशे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके कपड़े बनते हैं जो कि बहुत ही अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं, बेटर दैन कॉटन। और इससे काफ़ी सारी क्रिटिकल स्टेज बीमारियों के ट्रीटमेंट के एविडेंस भी हैं। सो आई डोंट लुक डाउन अपॉन गांजा प्लांट, डेफिनेटली इट हैज़ एन इंटॉक्सिकेंट जिसका अब्यूज़ करने पे आपको बहुत बुरी हालत हो सकती है। लेट्स नॉट डू दैट, बट लेट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट द मिरेकल दैट दिस लिटिल प्लांट इज। सैंज वैली में नीचे उतरे पहले, तो नीचे उतरने के बाद